नेफ्थलीन के बाद में अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आती है अपने पास फिनेंथ्रिन, ठीक है। तो फिनेंथ्रिन जो ड्रग है अपने पास, इस तरीके से अपने पास में व्हाइट व्हाइट पाउडर के फॉर्म में ही अपने पास जो फिनेंथ्रिन ड्रग है, लैब में अपन बनाएंगे तो इस तरह की अपन को देखने को मिलेगी फिनेंथ्रिन ड्रग। अब यहाँ पे इसको अपन देखते हैं तो स्ट्रक्चर फॉर्म में अपन को इस तरह की नजर आएगी फिनेंथ्रिन, ठीक है। एंथ्रासीन में अपन क्या देखते हैं कि तीनों बेंजीन रिंग एक लाइन में होती है, यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं एक बेंजीन रिंग और पार्शली दो बेंजीन रिंग उसके नीचे की साइड इस साइड में। तो एंथ्रासीन में एक साथ में तीन बेंजीन रिंग थे, यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर अपन को दिख रही है तो उसको अपन बोल रहे हैं फिनेंथ्रिन, ठीक है। तो फिनेंथ्रिन जो अपन देख रहे हैं ये अपने आप में क्या है, फिनेंथ्रिन को भी अगर अपन देखते हैं तो यहाँ अपन को क्या देख रहे हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स है जिसके अंदर क्या है तीन बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज है। किस तरीके से फ्यूज है वो अपन अभी स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख लिया। इन इट्स अ प्योर फॉर्म इट इज फाउंड इन सिगरेट स्मोक। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं जो सिगरेट का धुआं है उसके अंदर भी अपन को क्या दिख रहा है, ये फिनेंथ्रिन अपन को वहां पे देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या है इट इज नोन एज ए इरिटेंट। तो ये अपने पास में एक तरीके से इरिटेंट के फॉर्म में हो गया। होता है ना कभी कभी कोई सिगरेट पी रहा है अपने पास में खड़े हैं तो कुछ लोग जो नहीं पीते उनके लिए वो अपने आप में क्या होता है एक इरिटेंट ही होता है, ठीक है। फोटोसेंसिटाइजर स्किन टू द लाइट, अगर ये स्किन के ऊपर ज्यादा टाइम तक लग जाए तो अपने आप में क्या होगा कि अपनी स्किन के अंदर जैसे ही लाइट डालेंगे तो अपने आप में अपने अंदर एक इरिटेशन सी जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो फोटोसेंसिटाइजिंग स्किन टू लाइट, तो लाइट की वजह से अपने अंदर क्या होता है एक तरीके से सेंसेशन जनरेट हो जाता है, ठीक है। फिनेंथ्रिन अपीयर एज ए व्हाइट पाउडर हैविंग द ब्लू फ्लोरेसेंस, अगर अपन इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो वो अपने आप में कैसी लाइट निकलेगी अपने पास, ब्लू फ्लोरेसेंस इसके अंदर निकलेंगे, तो जिससे अपन इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिनेंथ्रिन इज द बैकबोन ऑफ मॉर्फिन, तो मॉर्फिन अपने पास ड्रग है उसका भी अगर अपन मॉलिक्यूल्स देखें तो वो किससे बना हुआ है, मैन इसके अंदर स्ट्रक्चर फिनेंथ्रिन ही है, ठीक है। और फिनेंथ्रिन क्या हो गया अपने बाद में एक पॉली एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर तीन बेंजीन रिंग फ्यूज कंडीशन में है, जब भी अपन सिगरेट का जो धुआं निकलता है उसके स्मोक में भी अपन को क्या मिलता है फिनेंथ्रिन देखने को मिलता है, ये एक इरिटेंट कंडीशन जनरेट करता है। लाइट के प्रेजेंट में ये अपने आप में क्या करेगा, फोटो सेंसिटिविटी अपनी स्किन के ऊपर जनरेट करेगा, व्हाइट कलर का पाउडर है जब इसके ऊपर लाइट डाली जाएगी तो ब्लू फ्लोरिसेंस ये जनरेट करेगा। मॉर्फिन जो ड्रग है इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो भी अपने आप में किससे बना हुआ है, फिनेंथ्रिन से बना हुआ है। अब यहाँ पे वापस फिनेंथ्रिन के स्ट्रक्चर में वापस वही जैसे नेफ्थलीन में अपन ने नोमेनक्लेचर किया था वैसे इसके नंबरिंग अपन देंगे, तो नंबरिंग के लिए वापस वही वाला रूल, कभी भी नंबरिंग जॉइंट की तरफ नहीं देंगे, या तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां पे भी जॉइंट आ रहा है अपन वहां पे नंबर नहीं डाल रहे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे हमने नंबर नहीं डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मान लो मेरे को नंबरिंग इधर से देना होगा तो मैं इधर से नंबरिंग दूंगा, ठीक है, इधर से देना होगा तो इधर से दूंगा, मगर कभी भी नंबरिंग जॉइंट की तरफ नहीं जाएगी। इस तरह के स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 फाइव सिक्स सेवन एट, तो हमेशा जॉइंट से बाहर की तरफ अपन नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो कितने अपन ने नंबरिंग दे दी, 10 तक अपन ने इसके अंदर नंबरिंग दे दी। तो जहां अपने पास 10 आ रहा है इसका मतलब 10 हाइड्रोजन एटम भी है, ठीक है, ध्यान रखो इधर। जहां जॉइंट पे अपन नंबरिंग नहीं दिए यहाँ पे अपने आप में क्या है कार्बन के बॉन्ड सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो कार्बन के डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड, जहां अपन नंबर दे रहे हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक एक हाइड्रोजन, जहां एक एक हाइड्रोजन है वहां अपने पास क्या हो सकता है उसका सब्स्टिट्यूशन होके कोई ना कोई ग्रुप वहां पे अटैच हो सकता है। तो फिनेंथ्रिन में जब भी डेरिवेटिव अपन बनाएंगे तो ये जो 1 to 10 तक नंबरिंग दी है यहीं पे अपन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अपन वहां पे जोड़ सकते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया फिनेंथ्रिन में नंबरिंग कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। अगर इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो एंथ्रासीन लाइक एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में अपन क्या कह रहे हैं तीनों बेंजीन रिंग एक ही लाइन में है, तो इसी तरीके से फिनेंथ्रिन भी अपने आप में क्या है प्लेन मॉलिक्यूल्स है। प्लेन मॉलिक्यूल्स मतलब एक प्लेन के ऊपर अपन इसको बिछा सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। R14 कार्बन एटम्स आर SP2 हाइब्रिडाइज, तो कितने अपने आप में हो गए, तो
14 जो कार्बन है सारे कितने हैं अपने पास sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ से अपन देख रहे थे 1 2 3, तो एक बेंजीन में 6, फिर इधर 6 और 6 12, फिर 13 14, तो 14 कार्बन इसके अंदर है। ठीक है, ये वाले कार्बन इस वाले रिंग में आ गए, इसमें आ गए, तो ये अपने पास दो ऊपर आ गए, तो 6 और 6 12 13 14, तो कितने कार्बन है इसके अंदर 14 कार्बन है, जो कि सारे के सारे अपने आप में क्या है डबल बॉन्ड बना हुआ है कहीं ना कहीं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, द sp2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द ईच अदर्स एंड विद s ऑर्बिटल ऑफ द 10 हाइड्रोजन एटम टू cc एंड ch सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 10 ही हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि ये तो सैचुरेशन, यहाँ कार्बन ही हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ जॉइंट ऑफ है। ठीक है, तो 10 अपने पास हाइड्रोजन हो गए, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर अपन कौन सा ऑर्बिटल देते हैं s। ठीक है, तो वो अपने आप में किससे ओवरलैप हो रहा होगा, अपने आप में हाइब्रिडाइज कर रहा होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहे हैं या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, और वो बॉन्ड किस नेचर के हैं, सिग्मा बॉन्ड नेचर के हैं। इस कार्बन एटम आल्सो पसेस ए पी ऑर्बिटल, अब अपने पास पी ऑर्बिटल भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं px py pz, तो यहाँ पे अपन ने दो पी अपन ने यूज करे, एक पी अपने पास बनाया तो वो क्या होगा अपने आप में स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो देयर आर द परपेंडिकुलर टू द इट प्लेन कंटेनिंग द बॉन्ड। तो यहाँ अगर अपन देखें तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो एक s और दो पी, तो कार्बन के अपन ने यूज कर लिए। ठीक है, अब उसका जो एक और पी बचा वो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है प्लेन, तो प्लेन अगर ये है तो इस प्लेन के ऊपर और नीचे की साइड अपने पास एक पी अपने पास अपने आपस में ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जिसके डिलोकलाइजेशन की वजह से अपने पास एक सैंडविच स्ट्रक्चर बन जाएगी, जैसे अपन बेंजीन में देखते हैं, द लैटरल ओवरलैप ऑफ दिस पी ऑर्बिटल प्रोड्यूस ए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग द 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अपने पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास हो रहे हैं, जो अपने पास में क्या कर रहे हैं उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऊपर और नीचे अपने आप में एक क्लाउड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाएगा, जैसे बेंजीन में बनता है वैसे ही। फिलेंथ्रीन शो द एरोमेटिक प्रॉपर्टीज बिकॉज द रिजल्टिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेटिस्फाइड द हकल्स रूल। तो हकल्स रूल्स क्या होता है अपने पास, जब भी अपन देखते थे 4n+2, तो जितने भी इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप में किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, हकल्स रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास अगर अपन इसको रिजोनेंस के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पे किस किस तरीके से डबल बॉन्ड की पोजीशन अपने आप में चेंज हो सकती है, इस पहले स्ट्रक्चर में अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास डिलोकलाइजेशन, अब डिलोकलाइजेशन होके यहाँ इसके अंदर बेंजीन स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर आ गया, तो इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, कितनी स्ट्रक्चर बन रही है रिजोनेंस की, 1 2 3 4 5, तो 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसके अंदर फिनेंथ्रीन के अंदर बच सकती है, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि इसकी रिजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, 91 किलो कैलोरी पर मोल। तो पर मोल के अकॉर्डिंग अगर अपन एनर्जी की बात करें तो कितनी होगी इसके अंदर, 91 किलो कैलोरी पर मोल होगी। नेक्स्ट इसी के अंदर अपने पास टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनेंथ्रीन, तो फिनेंथ्रीन किस तरीके से बताएंगे, तो मैंने पहले नेफ्थलीन में भी बताया था कि हावर्स प्रोसेस अपने लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे वही अपने पास हावर्स फिनेंथ्रीन सिंथेसिस प्रोसेस अपन यूज करेंगे। तो हावर्स फिनेंथ्रीन सिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है अपने पास, नेफ्थलीन अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्पेलिंग गलत है तो इसको देख लेना, तो नेफ्थलीन अपन देख रहे हैं, नेफ्थलीन वापस ये अपन ने देखा था किससे रिएक्शन कराई थी अपने, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड जो सक्सिनिक एसिड के अकॉर्डिंग बना था, तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड कितने कार्बन वाला था, 1 2 3 4 कार्बन वाला जो अपने पास एसिड है उसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, उसका एनहाइड्राइड अपने आप में रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड के अकॉर्डिंग अपन ने रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने एक स्टेप देखा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने पास रिंग स्ट्रक्चर बन रही थी, वही रिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी, उसके बाद में अपने पास क्या बन रहा है, 4 नेफ्थलीन आयन 4 ऑक्सो ब्यूटोनिक एसिड। तो यहाँ पे अपने पास
ऑक्सोब्यूटेनिक एसिड अपने नेफ्थलीन के साथ में बिटवीन वन आई, तो अपने पास ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 ऑक्सो, तो ऑक्सो अपने यहाँ पे क्वेश्चन लगा दी, ऑक्सो ये वाली यहाँ पे, तो 4 पे ऑक्सीजन, तो अपने पास 4 ऑक्सो ब्यूटेनिक एसिड, तो ये 4 ऑक्सो ब्यूटेनिक एसिड के फॉर्म में अपन यहाँ पे ऑक्सो वर्ड अपन यूज कर रहे हैं। जब भी अपन एंडिहाइड कीटोन में, जब कीटोन में अपन इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में बीच में रिंग में बताते हैं, तो वहां अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑक्सो यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सो मतलब ये कीटोन का डेरिवेटिव अपने पास ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ बना दिया, तो इसके लिए ऑक्सीजन से अपन ने जुड़ा है, इसलिए 4 पोजिशन पे ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो 4 ऑक्सो ब्यूटेनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन अपने पास ये स्ट्रक्चर है, और 4 अपने आप में ब्रैकेट के बाहर है, तो ये अपने आप में क्या बता रहा है कि जो अपने पास जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी कंडीशन से जुड़ी है, 4th पोजीशन से अपने आप में यहाँ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो नेफ्थलीन के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ इसको क्या देखा, 4 एथाइलीन 1 आयल 4 ऑक्सो ब्यूटेनिक एसिड हो गया। अब इसी को अपन जिंक के अकॉर्डिंग, तो मैंने पहले क्या बताया था कि जब भी अपन जिंक कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं तो वो अपने आप में कौन सी कंडीशन पे रिएक्ट करेगा, जो अपने पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑटो ऑक्सीजन, मगर सी डबल ओ एच अगर ग्रुप होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करके वहां से ऑक्सीजन नहीं लेगा, कहाँ से लेगा, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप से। तो यहाँ पे सी डबल ओ एच ग्रुप है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, किसके ऊपर इफेक्ट आएगा, इस वाले ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। तो ये अपने पास क्या हो गया, 4 नेफ्थलीन 1 आयल, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड तो 4th पोजिशन पे, तो 4th पोजिशन ब्यूटेनिक, तो मेन चेन कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, तो 4 कार्बन वाली जो अपने पास ये एसिड है, तो ब्यूटेनोइक एसिड, तो मेन अपन ने किसको माना है, इसको माना है, तो इसकी 4th पोजिशन पे अपने पास क्या लिखा हुआ है, नेफ्थलीन। तो YL अपने पास लिखा है, तो YL अपने आप में क्या बताता है, अपने आप में जैसे अपन मेथाइल ग्रुप बोलते हैं, तो मेथाइल ग्रुप अपन क्या करते हैं, मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो अपन क्या कह रहे हैं, CH3। ऐसे ही अपन क्या कह रहे हैं, नेफ्थलीन है, तो नेफ्थलीन की 1st पोजीशन से अपन ने एक हाइड्रोजन ग्रुप यहां से हटा के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में इसको बनाया, तो इसकी वजह से अपने पास क्या हो जाएगा, 1 आयल, ठीक है, जैसे मेथाइल लगाते हैं वैसे आयल, तो 1 आयल पोजीशन 1st पोजीशन पे, यहां पे नेफ्थलीन 1 आयल पोजीशन पे है। अब ये ब्रैकेट के बाहर जो 4 है, ये 4 क्या बता रहा है अपने आप में, ये जो 4 ब्रैकेट के बाहर है वो बता रहा है इसकी पोजीशन, ब्यूटेन के 4th पोजीशन पे, तो ब्यूटेन के 4, 1, 2, 3, 4, 4th कार्बन के लिए अपने 4 रखा है ब्रैकेट के अंदर, सब्स्टिट्यूट को अपने इस पूरे का नाम कर दिया, तो इस सब्स्टिट्यूट का पूरा नाम क्या है, नेफ्थलीन 1 आयल, तो नेफ्थलीन 1 आयल कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 4th पोजीशन पे, इसलिए अपन यहां इसको क्या करेंगे, 4 नेफ्थलीन 1 आयल ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरीके से अपने यहां किया, यहां पे भी यही था, नेफ्थलीन 1 आयल, तो नेफ्थलीन 1 आयल अपने पास कौन सा ग्रुप हो गया, ये अपने पास 1 आयल, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो यहाँ पे 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 4 पोजीशन पे वापस क्या है, 4 ऑक्सो ब्यूटेनिक एसिड। अब इसी की रिएक्शन जब अपन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में कराएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल जाएगा और अपने पास क्या बच जाएगा, ये रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन हो जाएगी। रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन की वजह से अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3,4-dihydro, ठीक है, तो अपन क्या क्या 3,4-dihydro फिनेन्थ्रीन, ठीक है, फिनेन्थ्रीन 1,2-H, ठीक है, फिनेन्थ्रीन 2-H ऑन, तो यहाँ पे अपने पास पोजिशन के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, कैसे नंबरिंग दे रहे हैं अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस पोजीशन में अपने पास इस रिंग के अंदर फंक्शनल ग्रुप अपने पास कीटो वाला दिख रहा है, जिसको अपन ऑन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको अपन ने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा, डाइहाइड्रोफिनेन्थ्रीन, तो अपन डाइहाइड्रो के अकॉर्डिंग बोल रहे थे, अपन ने क्या बताया था, हाइड्रो जब भी अपन लगा रहे हैं तो हाइड्रोजन की पोजिशन 1, 2, 3, तो कौन से बॉन्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन, इस वाले बॉन्ड के, तो इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, 3 और 4 के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, जो फिनेन्थ्रीन का अपन ने स्ट्रक्चर देखा था ये स्ट्रक्चर, तो इसको अपन ने सेटिस्फाइड फॉर्म में माना है, तो अपने क्या कर दिया, सेचुरेशन कर दिया,
तो सेचुरेशन फॉर्म में अगर अपन इसको बता रहे हैं तो अपने क्या कर दिया, दो हाइड्रोजन अपने यहाँ बता दिए, तो 3,4-dihydro, ठीक है, फिनेन्थ्रीन, तो फिनेन्थ्रीन, और फिर उसके बाद में 2H जो अपन बता रहे, तो वो अपने आप में कौन सी पोजीशन आ गई अपने पास, ये वाली पोजीशन पे भी अपने पास H है, ठीक है, तो ये अपने पास सेकेंड पोजीशन पे भी हाइड्रोजन अपने पास सेचुरेशन से आया। तो यहाँ पे कंडीशन इसने यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में लिखा है, चाहते तो इसको भी अपन ऐसे ही कर सकते थे 2,3,4-trihydrophenanthrene-1-1, ठीक है, मगर यहाँ पे इस तरीके से इसका नाम लिखने का कंसेप्ट क्या है कि यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला तो अपने पास सेचुरेशन फिनेन्थ्रीन के सेचुरेशन से आया, इसलिए 3,4-3,4-dihydro, ये जो स्ट्रक्चर फिनेन्थ्रीन की दिख रही है 3,4-dihydrophenanthrene, और ये अपने पास कहाँ से, जो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने पास आया है, तो 2H, तो सेकेंड पोजिशन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, जुड़े तीनों कंडीशन पे है। जब भी मैंने बताया था पहले भी कि जब भी अपन फ्यूज रिंग में अगर अपन नंबरिंग देंगे तो किसको सेचुरेशन को अपन प्रिफेयर करना चाहेंगे, ठीक है, जनरल केस में अपन एल्कीन एल्काइन पर पढ़ते हैं तो एल्कीन एल्काइन में अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अपन प्रैक्ट कर देते हैं, मगर यहाँ अपन किसको देंगे, जो सेचुरेशन हो रहा है हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग उसको अपन प्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ अपने पास क्या हो गया, 2,3,4-trihydrophenanthrene-1-1 या फिर 3,4-dihydrophenanthrene-2-H-1, ठीक है। वापस अपन इसके अंदर जिंक अमलगम की प्रेजेंट में अगर रिएक्शन कराएंगे तो जिंक अमलगम अपने पास क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर रिएक्शन करके क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ इसने ऑक्सीजन यहाँ से इस ग्रुप से एब्जॉर्ब करके जिंक ऑक्साइड बना लेना, और जिंक ऑक्साइड बनने के बाद में अब यहाँ पे ओवरऑल जो सेकेंड रिंग है, ये जो पूरी रिंग है इसके अंदर सेचुरेशन आ चुका है, तो कितना हो गया 1,2,3,4, ठीक है, सेचुरेशन हो गया, तो अपन किसकी पोजीशन बता रहे हैं हाइड्रोजन की, 1,2,3,4, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब CH CH अपने पास, ये जो अपने पास है पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों कार्बन अपने पास क्या है हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो चुके हैं, सेचुरेटेड हो चुके हैं, तो 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोफिनेन्थ्रीन स्ट्रक्चर बन गए। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी अपन ने किया था, फिनेन्थ्रीन नेफ्थ्रीन बनाई थी तब पैलेडियम अपन ने यूज किया था, ठीक है, और सेलेनियम, तो पैलेडियम और सेलेनियम कॉम्बिनेशन में अपने आप में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देंगे, मतलब इस रिंग में से ये क्या करेंगे हाइड्रोजन निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन या तो अपने पास ये फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी फिनेन्थ्रीन। तो हावर प्रोसेस से अपन इस तरीके से अपन फिनेन्थ्रीन बना सकते हैं, तो सबसे पहले वही अपने पास नेफ्थलीन यूज कर रहे हैं, सक्सिनिक एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, फिर इसी रिएक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होने के बाद में जिंक अमलगम से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल जानी, ठीक है, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, नेफ्थलीन वन ऑयल, ठीक है, तो वायल अपने पास क्या बता रहा है, जैसे अपन मेथेन में से हटाते तो मेथाइल बन जाता है, वैसे ही नेफ्थलीन वन ऑयल हो गया, ठीक है, तो ये अपने पास सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया। मैन रिंग अपन ने ये सेलेक्ट करी है, तो इसकी फोर्थ पोजीशन पे 4-nephthalene-1-aryl ब्यूटानोइक एसिड H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, और यहाँ अपने पास वापस ही अपने पास फिनेन्थ्रीन वन ऑन, तो कीटोन फॉर्म बन रही है, कीटोन फॉर्म से ऑक्सीजन हटाने के लिए अपन वापस जिंक अमलगम यूज कर रहे हैं, तो ये अपने पास सेचुरेशन फॉर्म में अपने पास फिनेन्थ्रीन 1,2,3,4 पोजिशन पे मिल रही है, जिसको अपन 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोफिनेन्थ्रीन बोल रहे हैं, और पैलेडियम और सेलेनियम जो अपन कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो उससे क्या होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगी, तो यहाँ से हाइड्रोजन अपने आप में निकल गए, तो ये अपने पास फिनेन्थ्रीन का सिंथेसिस हो गया। तो इस तरीके से हमने आज बेसिक बेसिक में फिनेन्थ्रीन को समझा, फिनेन्थ्रीन क्या होता है, किस तरह का होता है, वाइट क्रिस्टलाइन है, इरिटेंट जनरेट करता है, फोटोसेंसिटिविटी जनरेट कर रहा है प्योर फॉर्म के अकॉर्डिंग, तीन बेंजीन रिंग फ्यूज कंडीशन में अपने पास है, इसी के अंदर हमने इसकी स्ट्रक्चर को देखा, इसके अंदर नंबरिंग किस तरीके से देनी है इसको समझा, इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन बने हैं, किस तरीके से इसके अंदर हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 के अकॉर्डिंग ये एरोमेटिक नेचर रखता है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, 5 इसकी अपने पास क्या है रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, जिसकी एनर्जी अपन क्या करें 91 किलो कैलोरी पर मोल, और हावर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने इसकी
सिंथेसिस को स्टडी किया, ठीक है।